नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन भर की सारी अहम खबरें। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने दूसरे दिन भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहित समाज और चारधाम महापंचायत ने फौरन दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण रोकने के लिए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। कहा कि आवाज नहीं सुनी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास और निर्माण करना धार्मिक परंपरा के विपरीत है। वहीं केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग का भी बयान सामने आया है। शिवशंकर लिंग ने कहा है कि केदारनाथ धाम नर और नारायण की तपोभूमि है, पांडवों और श्री कृष्ण की तपोभूमि है। इसका नाम किसी भी कीमत पर खराब नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शंकराचार्य ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है। आज तक उस पर कोई जांच की नहीं बैठाई गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जा रहा है तो फिर एक घोटाला होगा। तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं होगा। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के खिलाफ केदार घाटी में कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस पूरे विवाद को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सफाई भी सामने आई है। धामी ने कहा है कि बाबा केदार सबकी आस्था के प्रतीक है, दुनिया में कहीं भी दूसरा केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। धामी ने कहा कि बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उस धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ सकता। केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धामी की सफाई के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी बयान आया है। अजेंद्र अजय ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का दिल्ली के केदारनाथ मंदिर से ना तो कोई संबंध है और ना ही प्रदेश सरकार ने मंदिर को किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग दिया है। अजेंद्र अजय के मुताबिक सीएम धामी शिलान्यास में वहां के साधु संतों और जन प्रतिनिधियों के आग्रह पर शामिल हुए थे। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार की समीक्षा की गई। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में जीत के लिए रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी शामिल हुए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कार्य समिति बैठक में शिरकत की। इस दौरान बैठक में करीब 1350 से अधिक बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी की महिला पटवारी को फोन पर गाली देना एक दरोगा को भारी पड़ा। महिला पटवारी ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि एक मामले की रिपोर्ट के संबंध में दरोगा ने फोन किया और धमकी देने के साथ ही गाली गलौज भी की। दरोगा हरिद्वार में तैनात है। महिला पटवारी ने दरोगा की शिकायत पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से की और दरोगा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। टिहरी के नरेंद्रनगर के गांव बिलोगी में लोगों के घरों के गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में दरारें आने की वजह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल निर्माण है। रेलवे की टनल निर्माण के दौरान हैवी ब्लास्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से उनके मकानों में दरारें पड़ती जा रही हैं। लोगों का आरोप है कि फरवरी महीने से कई बार प्रशासन के पास वो अपनी शिकायतें पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अफसर
गांव तक नहीं आया और उनकी तकलीफों की सुध तक नहीं लेने आ पाया। उत्तरकाशी में पेयजल संकट से परेशान बड़कोट के लोगों ने अब बाबा बैकनाग देवता के दरबार में हाजिरी लगाई और उनके सामने अपनी समस्या रखी। बाबा बैकनाग के देव पशुआ से बड़कोट के आंदोलनकारियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। बड़कोट के लोगों का कहना है कि बाबा बैकनाग ने उनकी गुहार सुन ली है और उन्होंने उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं होने का आशीर्वाद दिया है। बड़कोट के 7 वार्ड के लोग पिछले 40 दिनों से पंपिंग योजना के जरिए पेयजल संकट दूर करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। हरिद्वार में यूपी रोडवेज की बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसा रविवार शाम करीब 5:30 बजे दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के पास हुआ, जहां बस बेकाबू होकर पलटी और हाईवे की रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे जा गिरी। बस मुरादाबाद से देहरादून जा रही थी। बस में 25 यात्री सवार थे। हादसे के बाद पुल से नीचे गिरी बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने SDRF की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया। पौड़ी में देवप्रयाग न्यू बस अड्डे के पास सड़क पर अचानक एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। पेड़ सड़क किनारे गुजर रही हाई वोल्टेज तार पर गिरा, जिसकी वजह से बिजली का खंभा भी टूट गया। घटना तब की है जब जोरदार बारिश हो रही थी, इसी वजह से सड़क पर आवाजाही कम थी और यही वजह है कि इस घटना में किसी को जान का नुकसान नहीं पहुंच पाया। मसूरी के मॉल रोड को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन जिस विभाग के अधिकारियों पर मॉल रोड को सुंदर बनाए रखने का जिम्मा है, वही योजना को पलीता लगा रहे हैं। मॉल रोड पर खूबसूरती के लिए लगाई गई स्टोन कई जगह से उखड़ चुकी है, जिससे मुख्य चौक तक गड्ढे हो गए हैं। हाल ही में प्रशासन ने मॉल रोड के किनारे से पटरी व्यापारियों को हटा दिया था। प्रशासन का कहना था कि पटरी व्यापारियों से मॉल रोड की खूबसूरती खराब हो रही है, लेकिन जहां से पटरी व्यापारियों को हटाया गया था, वहां पर लोगों ने अवैध पार्किंग बना ली है। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज इलाके में एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ एक किसान के खेत में घुस आया। खेत में मगरमच्छ होने की खबर फैली तो ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और इसे नदी में छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है नाले में कई और मगरमच्छ हैं। इससे पहले भी कई बार मगरमच्छ खेतों में आते रहे हैं, जिससे लोग खौफ में रहते हैं। रुड़की में देखा भोलेनाथ का अनूठा भक्त। हरियाणा के सोनीपत निवासी मोहित का एक पैर नहीं है, वो दिव्यांग है, फिर भी भोले की भक्ति ऐसी कि कलश में गंगा जल भर कर कांवड़ यात्रा पर निकल गए। मोहित के साथ उनके 2 साथी भी है, जो अपने दोस्त का कदम दर कदम पर साथ दे रहे हैं। मोहित जब 11 साल के थे तो उन्हें बोन कैंसर हो गया था, इसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा था, लेकिन मोहित का हौसला देखकर दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। मसूरी में कॉलेज के छात्रों और स्काउट गाइड कैडेट्स ने साथ मिलकर पर्यावरण बचाने की अलग जगह शहर में लोक पर्व हरेला के मौके पर वृक्षारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर बच्चों को हरेला पर्व का महत्व भी समझाया गया। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।